चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज सदन में जो है बोल रहे थे, और इस दौरान उन्होंने संसद में कुछ ऐसी बातें कही जिसके बारे में लोग सुनकर अचंभित हो गए और अब राहुल गांधी से माफी की भी मांग कर रही है। पहले तो राहुल गांधी ने महाभारत पर लंबा चौड़ा भाषण दिया और चक्रव्यूह को लेकर उन्होंने बात कही और कहा कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर किया है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने गलत बताई। हम बताएंगे आपको बयान क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने गलत दी। दूसरी चीज, राहुल गांधी ने भगवान शिव को लेकर भी बयान दे दिया और इसके साथ ही बजट में बट रहे हलवे पर भी उन्होंने काफी कुछ जो है रिएक्ट किया है, काफी कुछ प्रतिक्रिया जो है उन्होंने दी है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, 46 मिनट का उनका जो भाषण है वो देखने के लिए मिला, और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो बजट की तुलना है सरकार द्वारा, उसकी उन्होंने महाभारत के चक्रव्यूह से तुलना कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है जो है पदव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है और इसके अंदर डर और हिंसा होती है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है, जिसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वो भारत के साथ किया जा रहा है। आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं और ये 6 लोग हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी। इस पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि आपके सदस्यों ने भी कई बार कहा कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लेना चाहिए। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, मैं NSA अंबानी और अडानी जी का नाम नहीं लेता हूं, सिर्फ 3 नाम लूंगा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत। तो ये बात जो है उनके द्वारा कही गई। अब कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यहाँ पर जो बातें कही है, पहले आप उसको एक बार सुन लीजिए क्या कहना था उनका, उसके बाद हम बताएंगे इसमें क्या गलतियां थी। सुनिए। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट प्लीज, नहीं सर बोलने दीजिए। आप बैठिए,
माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं, आपके कई माननीय सदस्यों ने यहां पर मुझे लिख लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया उदर, है। नो आपने सर, क्या सर, आप सर, उसकी पालना करना चाहते हो? सर गलत। मैं माननीय एक मिनट होल्ड ऑन मैं सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा और मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूँ। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूँ। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर मैं एनएसए का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूँ। फिर माननीय सदस्य अगर आप चाहते हैं प्लीज, मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूँ। नो सर, मैं तीन ही नाम करूँ। नहीं माननीय सदस्य, नहीं नहीं तो जैसे कि आपने राहुल गांधी का भाषण सुना, अब हम आपको बताते हैं जो ये कह रही हैं कि कमल में हिंसा है, कमल में डर है। तो सबसे पहले राहुल गांधी के पिता का नाम राजीव गांधी है और राजीव का हिंदी में अर्थ कमल होता है। तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की तरफ और कमल फूल पर जो कटाक्ष कर रही हैं, क्या उनको पता है कि उनके पिता राजीव गांधी के नाम यानी राजीव का मतलब भी कमल होता है? नहीं पता है तो उन्हें गूगल सर्च करने की जरूरत है, जहां पर उन्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। पहला। दूसरा तथ्य, जो राहुल गांधी ने कहा कि चक्रव्यूह में 6 लोग थे, जिन 6 लोगों ने उन्हें मारा है या जो सारी चीजें वो कह रहे थे, तो मैं आपको बता दे कि ये इंफॉर्मेशन भी राहुल गांधी की गलत है। चक्रव्यूह में 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को मारा था, जहां पर युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया गया था। और 7 पार्ट, अगर आप कहेंगे 7 डिवीजन थे चक्रव्यूह में, और 7वें चक्रव्यूह में ही अभिमन्यु फंस गए थे, क्योंकि 6 तो उन्होंने अपने मां के गर्भ में ही सीख लिया था कि पार कैसे कहते हैं। 7वें के वक्त उनकी मां सो गई थी और इसी वजह से 7वें में वो फंस गए। और 7 जो है महारथी जो थे, उन्होंने ही चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर कर मारा था, जिनका नाम आपको बता दे, जयधर, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि 7 धर्म आपको बोल सकते हैं महारथी थे जिन्होंने अभिमन्यु को मारा था। तो राहुल गांधी ने जो 6 कहा है, पहले तो यहीं पर करेक्शन को करने की जरूरत है कि 6 नहीं वो 7 थे। और दूसरा, कमल को जो हिंसा का प्रतीक बता रही है, हिंदू धर्म के अनुसार कमल जो है वो समृद्धि का प्रतीक है, वेल्थ का प्रतीक है, और खुद माँ लक्ष्मी भी कमल पर विराजमान होती है। तो पहला जो कटाक्ष राहुल गांधी कर रहे थे सदन में, जो कह रहे थे, वो पूरी तरीके से समझ आ रहा है कि उनकी बुद्धि जो है किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से जो चीजें वो बता रही हैं। दूसरी चीज, राहुल गांधी जिस दिन में बोलते हुए ये कहते नजर आए कि शिव की बारात में मुस्लिम भी थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उन्होंने कहा कि शिव की बारात में मुस्लिम थे, और ये उनका जो है बयान है, जिसके बाद लोगों ने अब उनसे इस मामले को लेकर माफी मांगने के लिए भी कह दिया और कहा है कि इस तरीके के बयान बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। हिंदुस्तान का नेचर अलग है, हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप? चेयर को एड्रेस, मैं बताता हूं सर, शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर, गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर, इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो, चक्रव्यूह
शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। राहुल गांधी को इस पर जो है अपने बयान को लेकर हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिव के बारात में मुस्लिम ही थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म जो है सबसे पुराना धर्म है जिसका आदि अनंत लोगों को पता नहीं है, एक एस्टिमेट लगाया जाता है। और शिव की बारात में कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग का व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि शिव भगवान थे। और उनके बारात में अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे और बाकी चीजें पढ़ेंगे तो उनके बारात में भूत, पिशाच, अगर आप कहेंगे डाकनी, शाकनी, देव, इंद्र, गंधर्व, ये सारे जो है अगर आप कहेंगे पशु पक्षी जानवर थे, वहां पर मौजूद थे। और ये अलौकिक बारात थी, उसमें किसी पर्टिकुलर समुदाय या मुस्लिम उस वक्त अगर आप कहेंगे कि वो धर्म ही स्थापित नहीं हुआ था, ये बात आप सभी को पता भी है कि बहुत पुराना धर्म है सनातन धर्म। तो ऐसे में ये कहना कि मुस्लिम भी उस वक्त उस बारात में थे, इसे लेकर भी लोग आक्रोशित है। बजट में हलवे को लेकर भी राहुल गांधी का अजीबोगरीब बयान जो है संदर्भ में सुनने के लिए मिला। जरा सुनिए बजट के हलवे पर क्या कह रहे हैं वो। प्लीज ये देखे सर, एक ये फोटो देखिए, एक मिनट प्रतिप्रश्न, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर क्या सर? ओके, एक सर मैं फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ, एक मिनट। आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर ऑफ हो गया, मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं होता सर। ऑफ है सर? नो सर, दिखाइए सर, एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो। प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं आप अपोलोजाइज सर, नहीं नो अपोलोजाइज, मैं आपको अपोलोजाइज के लिए दिखे रहा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर ये देखे सर बंद होगी, आप सदन की मर्यादा को रहे सर। जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो देखो आगे। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है, नहीं आने देंगे पोस्टर, नहीं लेने देंगे सदन में सर, गलत तरीका है सर। सर सर सर, फोटो दिखाना गलत नहीं है सर, आपकी परमिशन लेके अभी परमिशन नहीं है आपको सर, मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत परमिशन, मैं समझाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत परमिशन नहीं है मान्य। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया, 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर, 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा, 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से, 90% लोगों में से सिर्फ दो हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया। तो जैसा कि आपने सुना बजट के हलवे पे कह रही है कि कोई दलित नहीं है, ये बजट का हलवा बनाते हैं, एक दलित अफसर नहीं है, एक ये नहीं है, एक वो नहीं है। एक सिंपल सी बात है, जब बजट का हलवा बनता है तो उसे हलवाई तैयार करते हैं। और ऐसी स्थिति में किसी तरीके से अगर आप कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को बुलाकर वो हलवा तैयार नहीं किया जाता, क्योंकि वो बजट का हलवा होता है। और इसमें किसी ऑफिसर्स का काम नहीं ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं, जो वहाँ पर मौजूद रहते हैं, वही हलवा बनाने का काम करते हैं। राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो उन्होंने सिर पैर की बातें जो है सदन में कहना शुरू कर दिया। और अब संसद में उनके दिए गए बयान पर अब हंगामा हो रहा है और लोग उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है
कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।